हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू सो यहाँ पे हमें दिया गया है अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस इच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है एक सिटी है जिसमें टू मेन रोड्स है सो so, हमें कंसिडर करते हैं ये एक सिटी है ओके okay? सो so, इस सो so ये मेन टू रोड्स है वन और टू रोडस विच क्रॉस ईच अदर ये क्रॉस किया है एक साथ इन्होंने सो एट देंटर ऑफ द सिटी यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द सिटी है ओके okay? सो so, फिर आगे दिया गया है हमें दिस टू रोड्स आर अलॉन्ग विथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन सो हम यहाँ पे देंगे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ईस्ट एंड वेस्ट तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन भी दे दिए है सो so, यहाँ पे लिखना है आगे ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑन दिस सिटी रन पैरलर ऑन दिस रोड्स एंड आर 200 हंड्रेड मीटर अपार्ट सो यहाँ पे हमें दिया गया है ऑल अदर स्ट्रीट मतलब जो स्ट्रीट है वो रोड है ऑन द सिटी रन पैरलरली पैरलर है ऑन दिस रोड आर 200 मीटर अपार्ट मतलब 200 अपार्ट है देयर आर फाइव स्ट्रीट यहाँ पे फाइव स्ट्रीट है on each direction using one centimeter 200 meter draw a model of the city on your notebook represent a road and street by single lines there are many cross streets in your model a particularly cross street in your model a particular cross street is made by two streets on one वन समिंग इन द नॉर्थ साउथ यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है हमें यहाँ पे एक मॉडल निकालना है सिटी का जिसमें टू मोन मेन रोड्स है जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट सो so, यहाँ पे हमें आगे आगे दिया है फाइव स्ट्रीट है जिसकी वन सेंटीमीटर इस टू हंड्रेड मीटर है हमें एक मॉडल निकालना है जो भी की नोटबुक में आएगा सो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं जिसके हम मॉडल निकालेंगे और आगे हमें दिया गया है डायरेक्शन ऑन अदर इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन ईच एक््रॉस स्ट्रीट स्ट्रीट इज़ रिफर्ड टू एज फॉलोइंग मैनर इफ अ सेकेंड स्ट्रीट इज़ रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन द फिफ्थ ऑफ इन दस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीड टू सम वी विल कॉल धिस क्रॉस स्ट्रीट टू फा यू यूजिंग कन्वर्सेशन फाइंड मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिए गए हैं और अनदर ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन है जहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड एज द फॉलोइंग मैनर टू टू थर्ड रनिंग और नॉ नौ, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन फिफ्थ इन द ईस्ट डायरेक्शन है जब जब हम इसे डायग्राम में सॉल्व करेंगे आप अच्छे से इसे समझ पाओगे सो आगे हमें लिखना है फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज फोर थ्री सो यहाँ पे हमने लिखना है फर्स्ट का आंसर सो यहाँ पे हमने लिखना है कि यूनिक यूनिक तो लिखिए यूनिक यूनिक क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब वो क्रॉस स्ट, स्ट्रीट है वो कैसे है यूनिक है शोन बाय द पॉइंट कौन से पॉइंट है यहां पे हमें कौन से दिए गए फोर एंड थ्री तो इस तरह से हमने लिख लिया है कि ये यूनिक क्रॉस स्ट्रीट है जो कि शोन इन द पॉइंट फोर एंड थ्री सो यहाँ पे हमें सेकेंड वाला दिया गया है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज थ्री एंड फोर आप जल्दी से गौर कीजिए कि यहाँ पे हमें पहले दिया गया था फोर और थ्री और यहाँ पे हमें बताया गया है थ्री और फोर सो so यहाँ पे हमें लिखना है सेकेंड वाला अ यूनिक पॉइंट फिर से हमें लिखना है यूनिक क्रॉस स्ट्रीट एज शोन बाय सो हमें आगे लिखना है बाय बाय द पॉइंट सो हमारे पास कौन से पॉइंट दिए गए थे हमें पहले पहले हमें दिया गया था फोर और थ्री अब दिए गए हैं हमें थ्री और फोर और आगे लिखना है हमें द टू क्रॉस टू क्रॉस स्ट्रीट्स आर यूनिक मतलब वो यूनिक unique थे यूनिकली फाउंड बिकॉज ऑफ द टू for runs lines use we have used we have used for locating locating them सो so, ये यह हमने यहाँ पे लिख लिया है कि हम यहाँ पे एक मॉडल निकालने वाले हैं जिसके टू क्रॉस हो गए और ये यूनिक फाउंडेशन होगी बिकॉज टू रिफर लाइंस आर यूज द फॉलोइंग लोकेश लोकेटिंग देम यहाँ पे हम लोकेट करेंगे सो so, हम जल्दी से ये डायग्राम मॉडल नोटबुक पे निकाल लेते हैं सो फाइनली काज हमने ये जो मॉडल था सो so फाइनली हमने निकाल लिया है हमने ये जल्दी से निकाल लिया है क्योंकि आपका समय बचना चाहिए सो so हमने यहाँ पे दिया है ये नॉर्थ डायरेक्शन ये साउथ डायरेक्शन ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन सो यहाँ पे हम यहाँ पे निकाला है ये सिटी का सेंटर निकाला है सो so यहाँ पर हमें दिखाना था फर्स्ट स्ट्रीट सेकेंड स्ट्रीट थर्ड स्ट्रीट फोर्थ स्ट्रीट फाइव स्ट्रीट और यहाँ पर हमने नॉर्थ डायरेक्शन में हमने फिर से यहाँ पे निकाला है वन स्ट्रीट टू स्ट्रीट थ्री स्ट्रीट फोर स्ट्रीट फाइव स्ट्रीट सो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना था फोर थ्री स्ट्रीट को सो so हम यहाँ पे कैसे करेंगे यहाँ पे हम पॉइंट देंगे वन टू थ्री फोर फोर सो यहाँ पे हमारे पास फोर का पॉइंट आ चुका है सो ए की वैल्यू क्या थी हमें पता है फोर थ्री सो यहाँ पे फोर और ये थ्री ऊपर का थ्री सो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है फर्स्ट पॉइंट फोर एंड थ्री थर्ड क्या था हमारे पास थ्री और फोर सो यहाँ पे थ्री का पॉइंट और ये फोर फोर का पॉइंट सो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है फर्स्ट ए का पॉइंट बी का पॉइंट और हमारे पास थर्ड कौन सा पॉइंट आया टू और फाइव जो कि हमें दिया नहीं गया था मगर हमने कर लिया है जिससे कि हमें समझने में आसानी हो आशा है आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गुड बाय